पुलिस को मिली बड़ी सफलता, इनसास राइफल के साथ दो अपराधी हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पुलिस को मिली गुप्त सूचना। सूचना के आधार पर मेदिनीनगर में सोमवार को स्टेशन रोड थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो आपराधिक तत्वों को इंसास राइफल की 20 जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस पदाधिकारी एस विजय शंकर ने गिरफ्तारी के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इन आपराधिक तत्वों के पास से इंसास राइफल की एक मैगजीन, एक बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद की गई है। बरामद गोलियां 5.56 बोर की हैं, जो मैगजीन में भरी हुई थी। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि दोनों के नक्सलियों से संबंध हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दिनांक 11/4/21 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लड़के हथियार के कारोबार में लगे हुए हैं, जो स्टेशन रोड में गोली की डिलीवरी देने वाले हैं। जैसी सूचना थी उस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया था, उसके पकड़ने के लिए हमारा तैयारी की गई थी। अकॉर्डिंगली दो अपराधी सफ़ेद अपाची से आए, उनको हम लोगों ने घेरा और उसको पकड़ा गया। जब चेक किया गया तो एक अपराधी के पास एक मैगजीन में गोली भरा हुआ पाया गया। जब उस गोली को देखा गया, वो गोली 5.56 इंसास राइफल की गोली है, जो प्रोहिबिटेड बोर की गोली मानी जाती है। इन अपराधियों को पूछा गया तो जुलानी बताया कि लेस्लीगंज का गुड्डू नाम का अपराधी इसको दिया है और ये लोग खरीद बिक्री करते हैं। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास मोबाइल बरामद हुआ है, अपाची गाड़ी बरामद हुआ है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है। बहुत ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है कि ये गोली आया कहाँ से, किस उपयोग के लिए आया था। आमतौर पर ऐसा गोली अपराधियों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, ये सामान्यतः पुलिस को उपलब्ध राइफल में उपयोग होता है। नक्सलियों के पास से भी कभी कभी बरामद हुए हैं इस तरह के हथियार गोली। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।